हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोलर श्रृंगार। दोस्तों, आज मैं एक रिक्वेस्टेड वीडियो कर रही हूँ। तो ये इस वीडियो का रिक्वेस्ट किया था हेबा वजी ने, जो कि मेरी सब्सक्राइबर हैं, और उन्होंने कहा था मुझे कि आप ममा अर्थ शैम्पू का रिव्यू कीजिए। तो आज हम ममा अर्थ ओनियन शैम्पू का रिव्यू करने वाले हैं। तो ये जो शैम्पू है, ये है विथ ओनियन एंड प्लांट कैराटीन, और ये जो मेरे हाथ में पैकेट है, ये है 250 ml की पैकेट, और इसकी प्राइस है 349 rupees। बट ये मुझे कुछ ऑफर वगैरह में मिल गया था, इसे हमने ऑनलाइन परचेस किया है अमेजोन से। तो इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और वहाँ पर हमेशा ऑफर्स वगैरह इस पर चलते रहते हैं। तो ये मुझे थोड़ा डिस्काउंट में मिल गया, आई थिंक ये मुझे 300 में मिला है। तो इसकी सेल्फ लाइफ है 2 ईयर्स की, और इसके बारे में चलिए देखते हैं कि यह किस प्रकार का शैम्पू। आप देख ही रहे होंगे कि ये अभी पैक ही है पूरा, इसे हमने ओपन नहीं किया है। तो आज मैं सिर्फ इसके बारे में बतलाऊंगी, इसके डिटेल्स, और फिर मैं एक दो वीडियो के बाद मैं बतलाऊंगी इसे यूज़ करने के बाद यह कैसा रहा, और भी इसके साथ और भी अन्य शैम्पू के बारे में मैं बतलाने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए देख लेते हैं ये किस तरह का शैम्पू है। तो ये हेयर फॉल कंट्रोल के लिए काफ़ी अच्छा शैम्पू है, और सबसे अच्छी बात ये है कि ये पाराबीन और सल्फेट फ्री शैम्पू है, और ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, और फॉर ऑल हेयर टाइप्स है। ये हर तरह के हेयर के लिए सुटेबल है, हर तरह के हेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और उसके बाद इधर देख लेते हैं कि क्या है। यहाँ लिखा है सल्फेट फ्री शैम्पू जेंटली क्लींजेस एंड नरिशेस हेयर, रिड्यूसेस हेयर फॉल एंड स्ट्रेंथेंस रूट्स। ये रूट को मजबूत करता है, बाल के झड़ने को रोकता है, और ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स। इसमें हार्मफुल केमिकल्स नहीं दिए हुए हैं। सुटेबल फॉर कलर्ड एंड ट्रीटेड हेयर। तो अगर आप अपने बालों में कलर भी करती हैं तो भी यह शैम्पू आपके बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें लिखा हुआ है एक्वा कैप्रिलिल कैप्रिलिल ग्लूकोसाइड सोडियम मिथेल कोकोइल टॉरेट वेजिटेबल ग्लिसरीन IFRA सर्टिफाइड एलर्जन फ्री फ्रेग्रेंस और पोटेशियम सॉर्बेट पॉलीक्वार्टरनियम 10। और यहाँ पर डायरेक्शंस फॉर यूज में लिखा है जेंटली मसाज शैम्पू इनटू वेट हेयर एंड स्काल्प विथ फिंगर टिप्स टू वर्क इनटू अ लेदर रिंस थ्रोली एंड फॉलो इट अप विथ अ सिलिकॉन फ्री कंडीशनर। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप इस शैम्पू को वेट हेयर में लगाइए, बालों को गीला करने के बाद उसके बाद आप बालों पर इसे लगाइए, और उसके बाद फिर आप अपने बालों को सिलिकॉन फ्री कंडीशनर से भी उसे नरिश कीजिए। फिर है यहाँ पर टिप, अप्लाई मामा अर्थ ओनियन ऑयल ऑन स्कैल्प एंड हेयर अ फ्यू आवर्स बिफोर शैम्पूइंग। अच्छा, ओनियन ऑयल भी आप इसका लगा सकती हैं। फिनिश ऑफ विद द ममा अर्थ ओनियन कंडीशनर टू रिड्यूस हेयर फॉल एंड गेट स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट एंड स्मूथ हेयर। तो यहाँ पर लिखा है कि अगर आप स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट और स्मूथ हेयर पाना चाहती हैं तो आप सबसे पहले ममा अर्थ शैम्पू लगाने के कुछ घंटे पहले आप ममा अर्थ के ओनियन ऑयल का यूज़ कीजिए अपने स्काल्प में, और उसके बाद आप शैम्पू लगाइए, फिर आप कंडीशनर लगाइए। मीन्स अगर आपको अच्छे बाल चाहिए तो आपको ये सब चीज़ें लगानी पड़ेंगी। उसके बाद है यहाँ पर प्रोडक्ट कॉन्टेंट्स नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड मे चेंज कलर एंड फ्रेग्रेंस विदाउट लॉसिंग इफेक्टिवनेस। इवन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स कैन कॉज एंड ट्रिगर एग्जिस्टिंग एलर्जीज। पैच टेस्ट रिकमेंडेड रिजल्ट में वेरी स्टोर इन कूल एंड ड्राई प्लेस। तो
इसे आप कूल और ड्राई प्लेस में ही रखिएगा और इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं सारे नेचुरल हैं। और फिर यहाँ पर इसके ईमेल वगैरह दिए हैं, इसके टॉल फ्री नंबर नहीं है, यहाँ पर कॉल करने का नंबर ही दिया हुआ है, मोबाइल नंबर। तो आप चाहें तो आप इन नंबर में भी कॉल करके आप अपना डिटेल वगैरह ले सकती हैं। तो इतने सारे इसकी विशेषताएं हैं, मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। और एक बात और बोलना चाहूँगी कि ये स्पॉन्सर वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, इसे मैंने एक सब्सक्राइबर के कहने पे परचेज किया है और मैं चाह रही थी कि इसके डिटेल्स मैं उन तक पहुंचा सकूं। तो अगर हेमा वजी इस वीडियो को देख रही हैं तो ये वीडियो आपके कहने पर हमने बनाया है। और आप लोगों से भी मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोग किसी भी प्रोडक्ट्स के रिव्यू देखना चाहती हैं तो आप कमेंट में हमें लिख कर बताएं और मैं उसके रिव्यू आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करूंगी। और मैं ये बोलना चाहूंगी कि आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक कमेंट कर दीजिएगा प्यारा सा। आप लोगों के कमेंट को पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और आप लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, रोज़ सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तथा रिश्तेदारों तक ज़रूर पहुंचाइएगा, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को भी ज़रूर भेजिएगा ताकि उन तक भी ये मीन्स इतने अच्छे वीडियो पहुँचे। और दोस्तों मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लीजिएगा हिट ताकि आने वाले नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल में हमेशा समय पर पहुंच जाएं और सबसे पहले आप वीडियोस को देख पाइए। और जो लोग मेरे इस चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much.